गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो आज हम लोग चैप्टर वन बायो के चैप्टर वन दैट इज लाइफ प्रोसेस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, फाइनल टर्म में तुम्हारा सभी टोटल चैप्टर से फिर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, वो सिर्फ एक टर्म के लिए है। हाँ, ऐसा तुमको बोला गया है कहीं? हम समझ रहे हैं, लेकिन देखो अभी ये क्लियर नहीं किया है कि 50% जो है वो नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर रिवाइज करेगा, कौन सा चैप्टर रिपीट नहीं करेगा, अभी कुछ लिखा हुआ है? तो फिर मान लो अगर लाइफ प्रोसेस रिपीट कर दिया था, अब क्या करेगा? ठीक है, अब आने तो सिलेबस, और ऐसे में भी बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा, घाटा तो है नहीं। ठीक है, अगर मान लो एनटीएससी देना है या ओलंपियाड देना है तो काम देगा। अच्छा, ये सब क्वेश्चन का अगर प्रॉपर डेप्थ होगा तो तुम आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे में भी हम बढ़ाएंगे, फिर से कराएंगे। अब देखो, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे कि कंपेयर द, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी। आज है क्वेश्चन 8, दैट इज why is small intestine in herbivores longer than in carnivores? Why is small intestine in herbivore longer than in carnivore? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हर्बीबोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है, जबकि कार्निबोरस में ये हर्बीबोरस के तुलना में शॉर्टर होता है। तो आंसर क्या होगा? बोला जा रहा है कि बेसिकली हर्बीबोरस जो है वो प्लांट प्रोडक्ट खाता है, एंड प्लांट प्रोडक्ट कंटेन सेलुलोज, एंड सेलुलोज डाइजेशन नीड्स टाइम बिकॉज द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय व्हाट? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। वेर एज कार्निवोरस एनिमल बेसिकली ईट फ्लैश एंड स्प्ली एंड द फ्लैश नीड अ लेसर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। ठीक है, तो लिखो क्या लिखेंगे, वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीबोरस लॉन्गर देन कार्निवोर। लिखेंगे हर्बीबोरस या हर्बीबोर्स आर क्या, प्लांट ईटर, हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर विच इज रिच इन सेलुलोज, विच इज रिच इन सेलुलोज, द लेटर टेक्स longer time, the latter takes longer time for complete digestion, और ये cellulose को longer time चाहिए for complete digestion by the enzymes, ठीक है, प्रेजेंट भी मत लिखो, लिखो बाय द एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया रिलीज करता है सेलुलोज एंजाइम, और सेलुलोज एंजाइम फिर सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है,
और इसी ग्लूकोज को हर्बीवोर भी अपने लिए यूज करता है और बैक्टीरिया भी अपने लिए यूज करता है, बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देयरफॉर दे हैव longer intestine, therefore they have longer intestine. अब carnivores on the other hand, carnivores on the other hand feed on flesh. Carnivores on the other hand feed on flesh and do not contain cellulose. Carnivore on the other hand feed on flesh, ठीक है, and do not contain cellulose. Therefore they requires shorter, therefore they requires क्या lesser time to digest it, so they have shorter intestine, for digestion of food eaten by them. तो देखो बेसिकली क्या हुआ कि हर्बीवोरस जो है वो तुम्हारा प्लांट ईटर है, ठीक है। अब कौन है, हर्बीवोरस जो है ये प्लांट ईटर है, जो कि किसमें रिच है, इट इज रिच इन सेलुलोज। नेक्स्ट, द लेटर टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर कंप्लीट डाइजेशन, ये ज्यादा टाइम लेता है फॉर कंप्लीट डाइजेशन सेलुलोज। क्यों, क्योंकि ये हर्बीवोरस के बॉडी में रिलीज करता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, इसलिए इनमें लॉन्गर इंटेस्टाइन है। लेकिन कार्निवोरस जो कार्निवोरस है, ठीक है, जैसे कि लायन टाइगर या किस में फीड करता है, दे फीड ऑन फ्लैश एंड फ्लैश डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सेलुलोज, सो दे रिक्वायर लेसर टाइम टू डाइजेस्ट इट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैव अ शॉर्टर इंटेस्टाइन, दैट इज शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ये हो गया क्वेश्चन 8 का प्रॉपर आंसर, यहां समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये अभी तक बोर्ड में आया हुआ है, समझ गए। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द emulsification of fat, what is the significance of emulsification of fat, ठीक है, what is the significance of emulsification of fat। अब emulsification of fat means conversion of large molecule of fat into smaller globules, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मींस कन्वर्शन ऑफ लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू
स्मॉलर ग्लोब्यूल्स किसके द्वारा? बाय बाइल जूस, ठीक है, बाय बाइल जूस। इसमें क्या पाया जाता है? बाइल सॉल्ट, ठीक है। अब इससे क्या होता है? नाउ दीज स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इज इजीली एंड इफेक्टिवली डाइजेस्टेड बाय, और अब ये स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ फैट आसानी से डाइजेस्ट होता है किसके द्वारा? डाइजेस्टेड बाय पैनक्रियाटिक लाइपेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें? इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब कन्वर्शन ऑफ लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, और जब वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होता है तो ये इजीली और इफेक्टिवली डाइजेस्ट होता है किसके द्वारा? पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाई? टू कन्वर्ट इट इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है, क्लियर? देखो इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस क्या है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जिसमें लीवर के द्वारा गॉल ब्लडर के थ्रू बाइल जूस रिलीज होता है। ये बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होता है, और बाइल सॉल्ट जो फैट का लार्जर ग्लोब्यूल्स है, बड़ा दाना है, उसको तोड़ के छोटे दानों में कन्वर्ट करता है, और जब ये छोटे दानों में यानी स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होता है, तब इसके ऊपर फिर काम करता है पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम जिसका नाम है पैनक्रियाटिक लाइपेस। लाइपेस क्या करता है? स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को इसमें कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यानी यहां इसके इमल्सिफिकेशन के कारण कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आसानी से हो सकता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझ आया? क्या? अरे अल्कोहल का कुछ काम नहीं है, वो ग्लिसर फैटी एसिड और अल्कोहल मिलके ही फैट बनाता है, समझा? ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो तेल फैट खाते हैं उसको बोला जाता है तला भुजा खाते, बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें अल्कोहल और फैटी एसिड होता है। बेसिकली जो अल्कोहल होता है उसका नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है। जैसे प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एमिनो एसिड। उसी तरह से फैट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? फैटी एसिड एंड अल्कोहल। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार अल्कोहल ग्लिसरॉल ही हो, अदर देन ग्लिसरॉल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें OH जरूर रहेगा, इसलिए हम लिखे अल्कोहल। समझ आया सूरज? जिज्ञासा समझ आया? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन 10, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस is not secreted by gastric juice, क्या होगा अगर म्यूकस गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट नहीं करेगा? देखो
हम लोग जानते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में, वो रिलीज करता है HCL, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन हार्मोन। तो लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद पेप्सिन नाम के एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है। अब लिखेंगे म्यूकस, म्यूकस प्रोटेक्ट द, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम कोरोजन बाय HCl, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम कोरोजन बाय HCl एंड एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम कोरोजन बाय HCl एंड एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्या होगा कि ये कौन रिलीज करता है, ये दोनों रिलीज करता है, लिख देना गैस्ट्रिक जूस। ये दोनों किस में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। अब क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ कौन, इन द एब्सेंस ऑफ म्यूकस, इन द एब्सेंस ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक विल बी, लाइनिंग ऑफ स्टमक विल बी कोरोडेड, लाइनिंग ऑफ स्टमक विल बी कोरोडेड लीडिंग टू एसिडिटी, ठीक है। अगर म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो रिलीज करेगा, या ये क्या करेगा, स्टमक के लाइनिंग को कोरोड कर देगा, लीडिंग टू एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक अल्सर, और इसी कारण हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक अल्सर का फॉर्मेशन होगा। तो म्यूकस बेसिकली क्या करता है, हमारे स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl एंड पेप्सिन हार्मोन, बट इन द एब्सेंस ऑफ म्यूकस द स्टमक कोरोड लीडिंग टू एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक अल्सर इन द ह्यूमन बॉडी। समझ आया? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है बोलो सूरज। अरे भाई पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, लेकिन ये किस कंडीशन में एक्टिव होता है, HCl के जुड़ने से, यानी ये भी एसिडिक नेचर का है। तो दोनों जब एसिडिक नेचर का होगा और हमारे स्टमक वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो स्टमक वॉल को क्या करेगा, कोरोड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ओनली ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ओनली ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर क्या होगा, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है, उसका कारण है, तीन रीजन है।
पहला डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस. सेकेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड विली एंड दिस विली इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. एंड थर्ड इज विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर कैरिंग द एब्जॉर्ब फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड occurs mainly in absorption of digested food occurs mainly in the small intestine because first digestion of food digestion of food completed only in small intestine. Digestion of food completed only in small intestine. Second, finger-like projection called villi. Finger-like projection called villi. क्या करता है? Present in the small intestinal wall increases its surface area. क्या करता है वो? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में पाया जाता है जो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, क्यों? फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. थर्ड, विली ऑफ विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिचली सप्लाइड विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. Villi of small intestine are richly supplied with blood vessels. ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? For carrying the digested food, absorb food to different parts of the body, तो देखो यहां पे क्या हुआ, तीन कारण है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्यों होता है. फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सेकेंड, स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली कहा जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, क्यों? For maximum absorption of digested food. और तीसरा कारण, villi of the small intestine जो है, it is richly supplied with blood vessels for carrying the absorbed food to different parts of the body.
फॉर कैरिंग द एब्जॉर्ब फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हो गया तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्लियर? हाँ, विली तो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, वही हुआ ना, पहले सरफेस एरिया को बढ़ाया। कैसा सरफेस एरिया? एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, जिसके थ्रू वो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करेगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देगा। अब ब्लड स्ट्रीम में कैसे ट्रांसफर कर देता है? क्योंकि विली में क्या होता है, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। समझ आया तीनों को? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। मेंशन द मेजर इवेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आंसर, मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब लिखेंगे मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर, मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, फर्स्ट होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो फोटोन का मतलब हो गया लाइट और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जब वाटर लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा इनटू एच प्लस और ओ एच माइनस आयन में, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड जेनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। लाइट एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें साथ ही साथ एसिमिलेटरी पावर यानी जो एनर्जी गिविंग है, जैसे एटीपी, एनएडीपीएच, इसका भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एनएडीपीएच, एनएडीपीएच, एसिमिलेटरी पावर किसको कहा जाता है, विच आर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबोलिक रिएक्शंस। एटीपी क्या है, एसिमिलेटरी पावर है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू कैरी ऑन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। और फोर्थ क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू
कार्बोहाइड्रेट। तो देखो फोर इवेंट्स है, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड इज कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड जेनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर लाइक एनएडीपी एंड फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? एनएडीपीएच एंड निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट है, इसमें बहुत सारा एफएमएन है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, बहुत कुछ है। अब इतना जान लो कि एनएडीपीएच है। एनएडीपीएच एटीपी की तरह क्या है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, इसलिए इसको बोले एसिमिलेटरी पावर। समझ आया? अब देखो इसके बाद जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन तो हमेशा आता है कि आर्टरीज और वेन में डिफरेंस क्या है, और अगर वो नहीं आया तो एक क्वेश्चन जो उसके बदले हमेशा आता है वो है व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल एज कंपेयर टू आर्टरीज। क्वेश्चन 13, व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज। वेन्स में थिन वॉल क्यों होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज? देखो क्या होता है, आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करता है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू different part of the body, ठीक है, and thus the blood, ठीक है, is blood flow is fast and jerky अंडर प्रेशर। क्योंकि आर्टरीज हार्ट से ब्लड को निकाल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को एक फोर्स के साथ पंप आउट करता है, तो ऑटोमेटिक है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, सो आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। इसलिए आर्टरीज का जो वॉल है वो थिक भी होता है और इलास्टिक भी होता है, ताकि इसमें किसी तरह का वेयर एंड टेयर ना हो। लेकिन वेन इसके जस्ट उल्टा काम करता है। वेन क्या करता है, वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द हार्ट। वेन क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में ले जाता है, ठीक है, सो द ब्लड फ्लो इज स्लो एंड अंडर, ठीक है, वेरी लो प्रेशर, ठीक है, विच मे लीड टू बैक फ्लो। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, प्रिवेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ वेल्व, और इसलिए इस बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेल्व में क्या होता है, वेन में होता है वेल्व।
वैल्व का काम है ये हमेशा फॉरवर्ड फ्लो को अलाउ करता है, बैकवर्ड फ्लो को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इसलिए सो वेन्स हैव थिन वॉल, इसलिए वेन में क्या है, थिन वॉल है। फिर से एक बार समझ लो, आर्टरीज का काम है ब्लड को कैरी करना फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेन का काम इसके उल्टा है, इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू द हार्ट। आर्टरीज ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रहा है, वेन ब्लड को इनटू द हार्ट ले आ रहा है। दूसरा, इसलिए आर्टरीज जब ब्लड को हार्ट से ले जाएगा तो ब्लड जो रिलीज होगा हार्ट से वो एक सर्टेन प्रेशर के साथ, एक जर्क के साथ रिलीज होगा, और उसको झेलने के लिए आर्टरीज का वॉल थिक भी होता है और इलास्टिक भी होता है। लेकिन उसके उलट जो तुम्हारा वेन्स है उसमें ब्लड, क्योंकि वो दूसरे जगह से लेके डिफरेंट ऑर्गेन से लेके हार्ट में पहुंचा रहा है, तो उसमें ब्लड में प्रेशर भी बहुत कम होता है, जिस कारण से उसका स्लो मूवमेंट होता है। और जब स्लो मूवमेंट होगा देयर इज अ मैक्सिमम चांस दैट ब्लड मे स्टार्ट टू बैक फ्लो, बट ऐसा होने के बावजूद भी संभव नहीं है वेन में, क्योंकि वेन में वेल्व्स है और वेल्व ये निश्चित करता है कि जो ब्लड एक बार फॉरवर्ड फ्लो कर गया वो किसी हाल से बैकवर्ड फ्लो नहीं करे, क्योंकि प्रेशर कम है तो वेन का वॉल थिन है, और क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा है इसलिए आर्टरीज का वॉल थिक है। समझ आया? नहीं, तुमसे जैसे पूछेगा मान लो कि आर्टरीज का वॉल थिक क्यों होता है और वेन का वॉल थिन क्यों होता है, तो तुमको कारण के साथ विद रीजन बताना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू लीफ ऑफ अ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन, प्लांट का जो पत्ता है वो एक्सक्रीशन में कैसे मदद करता है, क्योंकि प्लांट में जो बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है वो वैक्यूल्स में होता है, और लीफ में जो तुम्हारा मेसोफिल सेल्स है उसके वैक्यूल में तुम्हारा स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल। तो जब ओल्डर लीव्स फॉल करता है लीफ से मेन प्लांट से टूट के, तो उसके साथ साथ वो वेस्ट मटेरियल भी उससे अलग हो जाता है प्लांट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज क्वेश्चन 14, हाउ डज लीव्स ऑफ अ प्लांट, हाउ डज लीव्स ऑफ अ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन, ठीक है। जो लीव ऑफ अ प्लांट है वो एक्सक्रीशन में कैसे मदद करता है, ठीक है, तो देखो क्या होता है, लिखेंगे इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल्स वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड, वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन देयर वैक्यूल, वेस्ट मटेरियल जो है ये स्टोर होता है वैक्यूल में। फॉर इंस्टेंस क्या होता है, मैनी प्लांट्स स्टोर देयर, फॉर इंस्टेंस मैनी प्लांट स्टोर देयर वेस्ट materials in the vacuoles, in the vacuoles of mesophyll cells, in the vacuoles of mesophyll cells and epidermal cells, इन द वैक्यूल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड इपिडर्मल सेल्स। अब व्हेन द लीफ ओल्ड लीव्स फॉल, व्हेन द ओल्ड लीव्स
fall. When the old leaf fall, waste materials are, when the old leaves fall, waste materials are removed. जो बात बोले वही है कि बेसिकली प्लांट सेल में जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है वैक्यूल्स में. फॉर इंस्टेंस मैनी प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है वैक्यूल्स ऑफ द मेसोफिल सेल में या एपिडर्मल सेल में. और जब ये ओल्ड लीफ गिरता है तो मटेरियल क्या होता है, रिमूव्ड होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ये समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, ये बहुत बार आ चुका है सीबीएसई में. हाउ डज ट्रांसपीरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ? हाउ डज ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स? आंसर देखो इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि वाटर जो है वो फिल होता है कहां पे, जाइलम ट्रैकी और जाइलम फैसल में. ये एक कंटिन्यूअस अनब्रोकन कॉलम फॉर्म करता है फ्रॉम रूट टिप टू द रूट टॉप ड्यू टू टू फोर्स. वन इज कॉल्ड एडहेशन एंड अनदर इज कॉल्ड कोहेशन. अब क्वेश्चन है एडहेशन क्या है और कोहेशन क्या है. एडहेशन जो है ये स्टिकिंग टू द सरफेस है, एकदम टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक जुड़ा हुआ है. और कोहेशन है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. लिखेंगे वाटर फिल्ड इन द जाइलम ट्रैकीट. जो वाटर है इट इज फिल्ड इन द जाइलम ट्रैकीट एंड वेसल्स. वाटर फिल्ड इन द जाइलम ट्रैकीट एंड वेसल्स forms a continuous unbroken column. Water filled in the xylem tracheid and vessel forms a continuous unbroken column due to forces of kya? Pehla adhesion. पहला क्या है, एडिशन. एडिशन क्या है, स्टिकिंग टू द सरफेस. स्टिकिंग टू द सरफेस. और दूसरा क्या है, कोहेशन. कोहेशन कोहेशन क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स. अट्रैक्शन बिटवीन लाइक या सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक ही बात है. अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यू टू फोर्सेस ऑफ एडिशन एंड कोहेशन. उसके बाद इवेपोरेशन ठीक है, ऑफ वाटर. इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ. इवेपोरेशन ऑफ वाटर किससे, फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ क्रिएट्स सक्शन फोर्स. सक्शन फोर्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ
creates a suction force which pulls this water upward. Actually क्या होता है कि stomata से जब leaf water को loss करता है तो water mesophyll cell में जो water है उसका deficiency होता है. लीफ का मेसोफिल सेल उसको कमी को पूरा करने के लिए लीफ के जाइलम से वो रिक्वायर्ड वाटर को ले लेता है. अब लीफ के जाइलम में जो वाटर का कमी हुआ वहां पे क्या क्रिएट हुआ, सक्शन फोर्स. ये किसको फोर्स से उससे ले लेता है, स्टेम के जाइलम से. और स्टेम का जाइलम फिर अपने वाटर डिफिशियंसी को किससे पूरा करेगा, बाय टेकिंग वाटर फ्रॉम द रूट जाइलम. और रूट जाइलम फाइनली वाटर किससे लेगा, फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, विच पुल्स दिस वाटर अपवर्ड. This force is called transpiration pull. और इस force को क्या कहा जाता है, transpiration force. यहां पे question ही है कि transpiration कैसे help कर रहा है upward movement of water का. तो simply जब leaf से water का loss in the form of vapor होता है from the aerial parts of the plant, it is called transpiration. और जब लीफ से वाटर का लॉस हो रहा है इवापोरेशन फॉर्म में, लीफ में क्रिएट क्या हो रहा है, सक्शन फोर्स. और ये सक्शन फोर्स क्या कर रहा है, पुल दिस वाटर दैट इज विच इज प्रेजेंट एट द रूट टिप टू द रूट टॉप दैट इज प्लांट टॉप अपवर्ड. एंड दिस फोर्स विच पुल द वाटर फ्रॉम द रूट टिप टू द टॉप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल. ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल. Write write two points of differences. Write two points of differences between respiration in plants and animals. Plants और animal में respiration में क्या difference होता है, दो point आपको बताना है. पहला क्या होगा, ठीक है, first in plant respiration occur in all the plant part, whereas in animal for respiration there is a special organ called lungs. ठीक है, अब देखो in plants पहला difference, in plants क्या लिखेंगे, the respiration occurs in all plant parts. In plants the respiration occur in all plant parts, whereas in animals there are स्पेशल ऑर्गन. और आप जानते हैं स्पेशल ऑर्गन क्या है, लंग्स. देयर आर स्पेशल ऑर्गन्स वेयर गैसियस एक्सचेंज ऑकर है ना. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेकेंड पॉइंट है, अनलाइक इन एनिमल
अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ऑकर इन प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अनलाइक इन एनिमल्स अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑकर इन प्लांट्स अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑकर इन प्लांट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज का, यूजिंग ओनली फ्लो चार्ट. यूजिंग अरे इजी है जी. रेस्पिरेशन पहला क्या है? रेस्पिरेशन में प्लांट का सभी पार्ट इन्वॉल्व है. रूट में रूट हेयर इन्वॉल्व है, स्टेम में लेंटिसल इन्वॉल्व है और लीफ में स्टमक स्टोमाटा इन्वॉल्व है इसके लिए. लेकिन अगर एनिमल हम लोग अपने आप को देख लो तो क्या हमारे बॉडी का हर पार्ट रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है? नहीं. हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए सबसे मेन पार्ट कौन है? लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस पहला. दूसरा, हम जब रिस्पायर करते हैं तो 100% गैस में जो ऑक्सीजन है इट इज कंबाइंड विद ऑक्सीहेमोग्लोबिन सॉरी इट इज कंबाइंड विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहेमोग्लोबिन और पूरे बॉडी में ये ट्रांसफर होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है. लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है? लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है क्योंकि यहां पे कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है जो उसको 100% ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर सके. समझ आया? अब देखो ये क्वेश्चन आया है, यूजिंग ओनली फ्लो चार्ट राइट द पाथ ऑफ ऑक्सीजन. यूजिंग ओनली फ्लो चार्ट राइट द पाथ ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रैकिया टू रिस्पायरिंग टिश्यू सेल. ट्रैकिया मतलब हो गया विंड पाइप. तो रिस्पायरिंग टिश्यू सेल तक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको यह शो करना है कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे होता है. देखो कैसे आंसर लिखना है. ऑटोमेटिक है, शुरुआत कहां से होगा? ट्रैकिया यानी विंड पाइप से. ट्रैकिया कैसे डिवाइड होता है? इट इज डिवाइडेड इन टू ब्रोंकाई. ब्रोंकाई के द्वारा जब ये दो लंग्स में घुसा, दिस ब्रोंका इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ब्रोंकियोल्स. अब ये ब्रोंकियोल्स जो है इट इज डिवाइडेड इन टू एल्वियोलर डक्ट. ठीक है, और ये जो एल्वियोलर डक्ट है एल्वियोलर सैक में कन्वर्ट होता है. एल्वियोलर सैक, ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्वियोली. ठीक है, और एल्वियोली क्या करता है? प्योर ऑक्सीजन को, क्योंकि एल्वियोली जो है ये सीट ऑफ ब्लड कैपिलरी है. एल्वियोली का जो मेम्ब्रेन होता है वो 100% परमेबल होता है. तो ये इसको किस में भेजता है? ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरी में. ब्लड कैपिलरी में ये ऑक्सीजन कहां पर इंटर करता है? आरबीसी में. और आरबीसी में ये किसके साथ जाके जुड़ता है? हेमोग्लोबिन. और हेमोग्लोबिन से ये किस में जुड़ता है? रिस्पायरिंग टिश्यू सेल. रिस्पायरिंग टिश्यू सेल. ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैकिया है, ट्रैकिया से डिवाइड करके दो ब्रोंकाई दो रेस्पेक्टिव लंग्स में जा रहा है. लंग्स में ये ब्रोंकाई मल्टीपल ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो रहा है. ब्रोंकियोल्स एल्वियोलर डक्ट में. एल्वियोलर डक्ट किसके अंदर में? एल्वियोलर सैक. और ये दोनों मिलके कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? एल्वियोली. एल्वियोली क्या करता है? ऑक्सीजन को कहां पे भेज दे रहा है? थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू अ ब्लड कैपिलरी. ब्लड कैपिलरी में ब्लड है, तो ब्लड का एक पार्ट क्या? आरबीसी.
आरबीसी में ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और बनेगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन फिर हमारे सभी रिस्पायरिंग टिश्यू सेल में ट्रांसफर होगा। समझ आया? ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है आज इतना ही तक है। नेक्स्ट डे जो है टोटल रुपए एक मिनट क्या बोल रहा है? ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग और दो दिन लगेगा, नेक्स्ट टू क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में 5 मार्क्स क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।